हम सब ने पिछले वीडियो में गेहूं के बीज के उपचार के बारे में सीखा था। तो आज हम सब सीखेंगे कि श्री विधि से गेहूं लगाने के लिए खेत की तैयारी एवं बीज की रोपाई कैसे की जाती है। साथ ही हम सीखेंगे कि खेत तैयारी के समय खाद का प्रयोग कैसे करना है। क्या भाभी क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? अभी तो हम खेत के बस तैयारी ही कर रहे हैं। आओ अच्छा से हम लोग मिलकर और फिर दिखाएंगे कैसे करते हैं नहीं करते हैं। सो अरे जिस खेत में गेहूं लगाते हैं ना उस खेत को 3 से 4 बार जुताई करते हैं ताकि वो मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा। अंतिम जुताई के पहले हम लोग खेत में खाद डालते हैं। देखो नाडेप या गोबर खाद जो रहता है उसमें घनजीवा अमृत को चूर चूर करके उसमें उसको मिलाते हैं और जो ट्राइकोडर्मा रहता है उसको भी मिला देते हैं। अगर उस खाद में अगर नमी नहीं है तो हम लोग पानी का छिड़काव करते हैं, उसके बाद से फिर मिलाते हैं और जूट का बोरा रहता है उसको ढक देते हैं। उसमें नमी नहीं रहता है तो उसमें फिर पानी का छिड़काव करके ताकि उसमें ट्राइकोडर्मा पूरा फैल जाएगा। अंतिम जुताई से पहले हम लोग खाद को अच्छी तरह से डालते हैं, उसके बाद से फिर जुताई करते हैं, उसके बाद से फिर पाटा चला के और खेत को समतल कर देते हैं। देखो अब तो हम तो खेत का तैयारी कर लिए हैं, पूरा जुताई उताई सब कर लिए, वो सब कंप्लीट हो गया है। अब भी और भी बाकी है, जैसे कि हमको क्यारी बनाना है सब उस सब फिर तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद से बुआई करेंगे। केवल हमें सिंचाई के साधन देखते हुए हमको क्यारी बनाना है, ये तो हम 7 से 15 फीट तक भी बना सकते हैं। देखो जब हम श्री विधि का गेहूं लगाते हैं तो लाइन से लाइन लगाते हैं, इसका मतलब लाइन से लाइन और बीज से बीज की दूरी ये दोनों का 8 इंच ही रखेंगे। उसके बाद हम लोग फिर गेहूं को बुआई करेंगे। अब इसको हम हल्का पाटा चला के फिर बीज को हम लोग ढक देंगे। आशा करती हूँ कि आप सब भी इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम गेहूं के श्री विधि से खेती में खार पतवार नियंत्रण एवं सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानेंगे। खेत की तैयारी में जैविक खाद का उपयोग न केवल मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है बल्कि इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।